तर पुन्हा एकदा बारामतीच्या रसिक प्रेक्षकांचं मैदानावरती मनपूर्वक स्वागत असेल. एक क्वार्टर फायनलचा सामना देखील आपण पाहतोय, एक दर्जेदार लढत पाहायला मिळणार आहे. यंगस्टर 11 मावळ गोलंदाजी मार्गवरती असेल विशाल निगोट. संघाचं पहिलं षटक, वैयक्तिक पहिलं षटक. स्ट्राईकचा फलंदाज असेल अमोल, नॉन स्ट्राईकला असेल मनोज दाभाडे. याच्यानंतर या मैदानावरती काय होतंय, इस मैदान की आगे की कहाणी आप सुनेंगे मेरे साथी कॉमेंटेटर सलीम शेख की जुबानी. आणि त्यांच्या समेत या सामन्यामध्ये काय होतंय आमचे सन्माननीय मार्गदर्शक ज्ञानेश्वर मामा जगताप. शुक्रिया सर जी, स्वागत है आपका इस बारामती के जबरदस्त स्टेडियम में. स्विच हिट के जरिए से अच्छा प्रयास अंत में रोका, मेरे हिसाब से बढ़िया प्रयास किया, कुछ हद तक अच्छी फील्ड यहां पर देखने को मिली. हेलो, देखिए आप देख रहे हैं एक बड़ा मुकाबला जो कि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्टेडियम में जहां पर खेला जा रहा है. आज के दिन का अंतिम मुकाबला बहुत ही जबरदस्त हाई वोल्टेज मैच रहेगा, क्योंकि एक तरफ एचजे टाइगर अंबेगांव की टीम रहेगी तो दूसरी तरफ यंगस्टर मा और रफ्तार के साथ में गिरफ्तार किया यहां पर विशाल ऑन फायर. बल्लेबाजों ने गलती क्या की, गेंदबाज की लेफ्ट हैंडर जो है उनको ऐसे तो नेचुरल स्विंग मिलती है, आपने शफल होके इसको स्क्रीन लेग के ऊपर से खेलना था, तब तक मिस हो गए. रफ्तार है इस गेंदबाज में, नाम है विशाल निगोट, कमाल के और बिल्कुल एक उभरता हुआ सितारा है. सुशांत धारा जाधव इनके कहीं ना कहीं एक जबरदस्त अंडर के नीचे ये खिलाड़ी उभरता हुआ और बिल्कुल बढ़िया फाइट देता हुआ अब बल्लेबाजी करने के लिए अगर देखेंगे सागर आए हैं, एक सागर और दूसरा अमोल जाधव. अमोल जाधव की बात करेंगे तो बहुत ही घातक बल्लेबाज है, इनके स्लॉट में इनके रडार में आती है तो बहुत ताकतवर शॉट देखने को मिलते हैं. फिलहाल मजा आएगा क्योंकि उच्च कोटि के गेंदबाज के सामने सागर और ये बाहर जाने वाली गेंद के साथ में छेड़खानी की सुशांत दादा जाधव ने कोई गलती नहीं की, दूसरा विकेट गिरता हुआ. जो कि क्लीन बोल्ड किया और अब गेंद को बाहर रखा और गेंद का पीछा किया, शरीर से दूर खेलने की कोशिश की और कमाल का कैच आज के दो आज के समय में पकड़ रहे बिल्कुल बारामती में छाए हैं. आपने देखा कि उल्टा उड़ता पोलार्ड आईपीएल के अंदर, लेकिन बारामती में देखेंगे तो उड़ता सुशांत दादा जाधव कमाल का कैच पकड़ रहे बिल्कुल विकेट के पीछे चूक नहीं कर रहे. विशाल निगोट ऑन अ हैट्रिक और ये नहीं है जनाब, स्विच हिट करने का ठाना था जरूर लेकिन किनारा अगर लगता तो शायद यहाँ पर ख्वाब पूरा होता. बार बार ये किस्से होते सपने जहां सच होते हैं वो है साहेब चषक 2021-22. मैं अक्सर कहता हूँ कि ख्वाबों के शहरों में ख्वाब आके देखा नहीं करते, उसको घर में देखा करते हैं और मैदान में आके पूरा करते हैं. फिलहाल विशाल निगोट कुछ वैसे ही करते हुए और ये फिर से एक बार ओ यहाँ पर जरूर देखिए हाथ से छिटकी गेंद लेकिन एफर्ट बहुत जबरदस्त कमाल का एफर्ट दिखा रहे लेकिन संघर्ष यहाँ पर करना पड़ रहा है यंग स्टार मावर के खिलाड़ियों को.
दो रन लगे बोर्ड के ऊपर, दो विकेट के नुकसान पे काफी जबरदस्त यहाँ पर शिकंजा कसते हुए। जिस तरह से कहावत है शिकारी अपनी शिकार को खुद दबोच लेता है, क्या उस तरह से विशाल यंग स्टार मावोल को दबोच रहे हैं। वाह, इस बार देखे पैरों पर गेंद दीप पटखरी और मिला मौका, जड़ दिया चौका, व्हाट अ शॉट, चार रन। अगर देखेंगे तो ये पैरों पर गेंद थी, अक्सर पसंद करते हैं बल्लेबाज के पैरों पर गेंद आए, और आपने स्क्वेयर लेग के ऊपर से कमाल का चौका जड़ा, एक की हो गई यहाँ पर समाप्ति, एक के बाद में छह रन लगे बोर्ड के ऊपर, जबकि दो बड़े विकेट, बड़ी बड़ी विकेट यहाँ पर डगआउट में जाती हुई। क्या अमोल जाधव ये इसके ऊपर कमाल की बल्लेबाजी करेंगे। दरम्यान आमचे मित्र बारामतीचे उत्कृष्ट सिंगर मिस्टर अनिल केसकर यांचं मॅच बघण्यासाठी आगमन झालंय, आपलं खूप खूप स्वागत आहे, मोस्ट वेलकम। देखिए मुकाबला, देखिए सिंगर लोग भी यहाँ पर आते हुए, क्योंकि मजा आता है क्रिकेट में, हर दर्दी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि सलीम भाई आपको तो पता है क्रिकेट एक नशा है, क्रिकेट एक म्यूजिक है, क्रिकेट एक अदा है। आदमी अगर क्रिकेट से प्यार करे तो प्यार को भी भूल जाए। और यही तो कहावत है कि अजब का नशा गजब का कहर, क्रिकेट का मैदान और बारामती का दर्शक, इसमें कोई संदेह है नहीं, इसीलिए नजफगढ़ का बादशाह क्रिकेट को जिंदा रखता हुआ। वाह क्या शॉट है, ताकतवर शॉट है, गेंद ऊपर है, दूर नहीं है, फंसा है यहाँ पर, अमोल जाधव भी चले बाहर, ये बड़ा झटका है, बिग फिश हंट, बड़ी मछली जाल में। मुझे लगता है सलीम भाई अमोल जाधव ने इससे पहले मैच में बहुत काबिले तारीफ बल्लेबाजी की थी और खुद की टीम के लिए 36 रन बनाए थे, मैन ऑफ द मैच का खिताब भी जीत चुके थे, लेकिन अब इस मौके पे खास करके क्वार्टर फाइनल का मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण है, और इस मैदान पे अगर उनका विकेट जल्दी से गिरना कितना धोखा बन सकता है उसके टीम के लिए। जी हाँ, बड़ा धोखा बन सकता है, लेकिन गलती क्या की, ये शॉट अगर देखेंगे तो उठता हुआ गेंद था, आपने पुल करने की ठान ली थी, गेंद काफी ऊपर चली गई और जितनी दूरी है वो दूरी मिली नहीं, जिसकी वजह से एक बढ़िया कैच पकड़ा विशाल निगोट, जो कि आज के गोल्डन आर्म है। बहुत नाजुक अवस्था में चली गई है ये टीम, खास करके अभी सिर्फ बोर्ड पे लग चुके हैं 7 रन, 3 विकेटें खो चुके हैं, जबकि दूसरा ओवर प्रगति पर है। क्या लगता है आपको, 4 ओवर का छोटा मुकाबला है, क्या होगा? ये बड़ी टीम है, देखिए अतिरिक्त रन यहाँ पर आता है, जनाब दंडित किए गए, एक गेंद आपको दोबारा डालना पड़ेगा, लेकिन अगर बात करेंगे मामा तो ये सिचुएशन होती है, वक्त सब पे आता है, आपका वक्त फिलहाल तो बहुत खराब चल रहा है, लेकिन कुछ देर तक रुकेंगे फिर आने वाले समय में एक बड़े ब्लास्ट कर सकते हैं आप। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि पहले दो मैचों में बहुत अच्छी करतूत दिखाई थी। ए, क्या होगा, छक्का, घुटना देख, तमाशा देख, जड़ दिया छक्का। जरूर एसजे टाइगर हावी होता हुआ, लेकिन इससे पहले मावल ने सुबह बहुत अच्छी अपनी गेम दिखाई थी, दो टीमों को सदमा दिया, एक फल्टन टीम थी, दूसरी टीम थी जो कि बहुत अच्छी टीम थी, जिसमें मुकेश गोयल जैसे खिलाड़ी थे उनको भी चौका दिया, माफ कीजिए इंदापुर की टीम थी उनको भी हराया, लेकिन इस मैच में मुझे लगता है कि सुशांत जाधव की टीम, यस एग्जैक्टली, खाली बगुन बोलता ना लक्षत नहीं आला, एक्चुअली हम वही देख रहे थे कि इससे पहले किसका 7 मुकाबला हुआ था मावल टीम का, और उसी बीच सॉरी होता है सर जी, अगर देखेंगे तो अक्सर देखेंगे तो चलता रहता है, लेकिन ये खेल है, खेल के अंदर कभी भी कुछ भी भाषा पलट सकता है। आपको क्या लगता है, जिस तरह से सुशांत जाधव ने टीम बनाई है, बहुत सारे यंगस्टर्स खिलाड़ी है,
हालांकि सामने वाले टीम का नाम यंगस्टर्स है, लेकिन जिस तरह से एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी, होनहार खिलाड़ी सुशांत जाधव और सामने सारे युवा बल्लेबाज गेंदबाज टीम में है, क्या कहोगे आप इस टीम के बारे में? दो ओवर के बाद 3 विकेट के नुकसान पे 14। ये देखिए, बिल्कुल दो ओवर तक तो यहाँ पर अपना दबदबा बनाए रखी हुई है टीम यज्जे टाइगर अंबिकाव की टीम। आपने सवाल बहुत अच्छा किया। अगर देखेंगे सुशांत दादा जाधव को जब से हम जानते हैं एक जबरदस्त प्लेयर है और हारी हुई बाजी को अंत तक लेके जाते हैं, मुकाबला छोड़ते नहीं है और हारी हुई बाजी को जीतना कैसे ये उनसे सीखी है। जब भी देखिए 19 20 22 साल के बंदे हैं, उनको लेके समझा रहे हैं, उनके साथ में बैलेंस कर रहे हैं, जब भी क्या छूटता है गलती होती है तो समझा रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनके ऊपर जा रहे हैं, बाजीगर है। जी हाँ, बाजीगर है और काफी जबरदस्त है, इसीलिए तो उनको अंबेगांव का टाइगर कहते हैं, सुशांत दादा जाधव। मैं सागर राउत के साथ भी बात कर रहा था, वो भी वही बोला कि 19 से 22 के बीच के सारे खिलाड़ी हैं, तो सारे युवा खिलाड़ियों को लेके जिस तरह से वो खेल रहे, सूरज आए और सूरज ने एक मौका दिया बल्लेबाजी मार्ग पे। देखेंगे तो बल्लेबाज सोनू एक जबरदस्त बल्लेबाज है, इनके ऊपर दाव रहेगी, इनके ऊपर मदार रहेगी। हालांकि अपने जो बेस्ट बल्लेबाज है ये डगआउट में जरूर गए, लेकिन यहां से क्या वक्त बदलता है, क्या एक्सेलेटर पैर दबाते हैं, क्या मोमेंट चेंज होता है। वाह क्या शॉट है, गजब का शॉट, लेकिन मिस टाइम हुआ, भुगतना पड़ा भुगतान, विकेट झोली में मार बैठे और विकेट का पतन होता हुआ। ये होता है कब, देखिए आपके विकेट जैसे गिरना शुरू होते हैं तो आप एक ऐसा लगता है कि बेस्ट साउंड है, परफेक्ट मिडल बैट है, लेकिन कुछ हद तक वो फिर जो आपकी माइंडिंग है इसके अंदर थोड़ा सा मिस टाइम हुआ। एक्चुअली सलीम भाई कल हम वेट कर रहे थे सेमीफाइनल में कौन सा टीम जाएगा, पहला टीम देखने को मिलेगा, लेकिन कल हमारे नसीब में नहीं था, लेकिन आज 100% पता चलने वाला है कि पहली टीम कौन सी होगी वो जो सेमीफाइनल में एंटर करेगी। लेकिन आज भी है ना, सुबह सुबह ऐसा लग रहा था कि आज भी पक्का नहीं होगा, लेकिन काफी तेजी से खेल होता गया और सारे बारामती दर्शक को आज फिर मिलेगा अपना पहला सेमीफाइनलिस्ट, जो कि मजा आएगा, क्योंकि देखने वाली बात है कि कौन सी वो टीम रहेगी। आज भी थोड़ा संदेह था, लेकिन बीच में हम सबने मिलके, मतलब राकेश भैया से लेके अनमोल पवार से लेके, यस यस यस, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि अगर बल्लेबाज आउट होता है तो नेक्स्ट बल्लेबाज तुरंत रेडी रही है ताकि आपको ही अंधेरे में खेलने का समय ना मिले। और अभी आए हैं और मेरे हिसाब से पॉइंट के बगल से अच्छा खेले, थर्ड मैन बिल्कुल मौजूद है पीछे, अच्छी फील्ड देखिए, ऐसा नहीं कि आपने फील्ड गलत लगाई है, देखिए पॉइंट को हटाया और थर्ड मैन को पीछे रखे और सामने देखिए लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी काफी वाइडिश रखा है और मिड ऑफ के क्षेत्र में एक है और लॉन्ग ऑन देखिए थोड़ा सा वाइडिश है मिड विकेट के क्षेत्र में, बिल्कुल एक सूझबूझ भरी यहां पर फील्ड लगा रहे सुशांत दादा जाधव। क्रिकेट एक टीम गेम है सलीम भाई, जैसे आप ग्राउंड पे देख रहे हो फील्ड सजाई है, वैसे मैदान के बाहर ग्राउंड के बाहर भी एक टीम मैनेजमेंट चलता रहता है। जैसे अब हम भी बोल रहे थे कि आज भी शायद आपको देखने को मिले ना मिले चल रहा था, इस बीच ग्राउंड पे और एक विकेट का नुकसान होता हुआ, मावल दे आर इन ट्रबल, खाई में जाता हुआ धीरे धीरे। अगर नेक्स्ट बैट्समैन प्लीज फास्ट। अगर देखेंगे सर जी की बहुत जल्द विकेट गिर रही है, कहीं ना कहीं इसके पीछे राज रहेगा, गलती कर रहे हैं बल्लेबाज बड़े शॉट खेलने में, लेकिन अपने मेरे मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रेशर आया है। बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल जिस तरह से सुशांत जाधव ने टीम बनाई है और मावल टीम धीरे धीरे प्रेशर में जाता हुआ, ये मैच उन्होंने ज्यादा प्रेशराइज किया हुआ है। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 16 पे 16, जबकि यह तीसरा ओवर चल रहा है, विकेटों का नुकसान तो ना गिने वही बेहतर है, क्योंकि विकेट एक के बाद एक गिर रहे जा रही है। जना देखिए तो आधा 16 का योग लगा है, आधी टीम पहुंची है पवेलियन के अंदर और हम बात कर रहे थे मैदान के बाहर की, जैसे राकेश भैया, अनमोल, आप खुद, इरशाद भाई, हम सब मिलके ये सोच रहे कि टीम एक के बाद एक कैसे खेलती रहे, टाइम का मैनेजमेंट कैसे होता रहे और जैसे डिसीजन लेते गए उसकी बदौलत ये क्वार्टर फाइनल आज हमको देखने को मिल रहा है। नो बॉल है, खतरा है।
फ्री हिट होगा सलीम भाई। मिला है मौका, बहुत देर के बाद में मौका है बड़ा शॉट खेलने का। खेलेंगे नहीं है, गेंद देखिए कवर के ऊपर से, अच्छा खेल है खिलाड़ी, डाउन द बॉल जरूर है लेकिन कुछ हद तक सिंगल नहीं है, दूसरा रन यहाँ पर लेते हुए। ये होता है सर जी, देखिए अब प्रेशर में आ जाते हैं ना तो आप अच्छे गेंद को भी बिल्कुल अच्छा समझ के खेलते और खराब गेंद को भी अच्छा समझ के खेलते, ये प्रेशर है। स्कोर धीरे से बढ़ता हुआ 19 पर पहुंचा है, तीसरा ओवर प्रगति पर है, क्या लगता है आपको चार ओवर में कितना टारगेट होगा एसजे टाइगर के सामने? यहां से तो लग रहा है कि 30-32 का टोटल हम देख रहे हैं। बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी गलती, रफ्तार के साथ में गिरफ्तार किया, एक और विकेट यहां पर गिरता हुआ आज यंग स्टार मावर। मुझे एक चीज समझ में नहीं आई सलीम भाई, आपकी टीम खतरे में है, आप इतना बड़ा रिस्क कैसे क्या ले सकते, आप सामने खेल सकते थे आरम से। रिस्क तो वही लेता है कि साहसी होता है, लेकिन यहाँ पर साहस काम नहीं आया, एक और विकेट गिरती हुई और आपकी टीम प्रेशर में आती हुई, डूबती हुई नैया को बचाने वाला मुझे तो यहाँ नजर नहीं आ रहा। अब उस सितारे की जरूरत है यंगस्टर्स को, क्योंकि आपने जो बोला है उसको डूबती हुई नैया, लेकिन ये नैया अगर पार करवाता है तो ये कैप्टन कहलाएगा। नाम तो विजय है, लेकिन इनके नाम में विजय है क्या अपने टीम नाम को? अगर काम कर पाएगा तो शायद कुछ हो सकता है। नाम से नहीं, उनके काम से पहचाना जाएगा और जो कि उनका काम कितना बेस्ट है। फिलहाल ये जोड़ी है मैदान के ऊपर, इनके ऊपर काफी आस रहेगी, इसके बाद में मेरे हिसाब से गेंदबाजी बस बाकी रहेंगे। सिर्फ 7 गेंदें बची है, 7 गेंदों में कितने रन जोड़ पाते हैं देखना दिलचस्प रहेगा। और ये स्विंग और मिस है, यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त ये गेंद थी, बिल्कुल तेज निकली, रफ्तार से निकली, जिस तरह से रफ्तार में गिरफ्तार किया उस तरह से कुछ ऐसे गेंद है। 3 की हो गई यहाँ पर समाप्ति, और 3 के बाद में देखेंगे तो बोर्ड के ऊपर देखेंगे तो 7 विकेट के नुकसान पे 19 रन और 6 गेंदे आखिरी बची है। बहुत अच्छा क्लाइमेट है, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्टेडियम का ये जो ग्राउंड है सलीम भाई, जब जब आप आते हो मजा आता है कमेंट्री बॉक्स में, खास करके हिंदी मेरी भी अपनी राष्ट्रभाषा है इसलिए सबकी पसंदीदा है। हिंदी की कमाल यह है कि वो सुनने में बहुत मीठी लगती है, इसलिए बोलने में भी मुझे कभी कभी मजा आता है, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं आप जैसे। वैसे तो आप भी मीठे हैं क्योंकि मीठो की जुबानी मीठी बातें और भी मीठी लगती है। मैं मराठी आराम से बोल पाता हूँ लेकिन हिंदी उतनी मेरी अच्छी नहीं है, फिर भी कोशिश करता हूँ हिंदी बोलने की। ओह नहीं, यहाँ पर देखिए गेंद पड़ने के बाद में बाहर निकलते हुए गेंद, ये वेरिएशन है, गेंदबाजों के पास वेरिएशन नजर आती है और जैसे आधुनिक क्रिकेट बदलते जा रहा है, टेनिस जो है पहले गली में खेले वाला क्रिकेट अब सातों समंदर पार और वेरिएशन लाते हुए गेंदबाज। जी हाँ बिल्कुल, वेरिएशन ने काम किया, उन्होंने देखा कभी कभी ज्यादा ताकत काम नहीं करती है, स्पीड की जगह उन्होंने टिप्पे पे ज्यादा ध्यान दिया। अभी देखो स्पीड दिया, 4 रन खाए, कड़क शॉट है, ये फर्क है। पहला गेंद बहुत सही थी, पहली गेंद बहुत अच्छी थी, हल्की सी टर्न की, फंस गए थे बल्लेबाज, लेकिन नेक्स्ट गेंद पे गलती की, स्पीड दिया, 4 रन। लेकिन गेंद भी देखिए बाहर जैसे ही निकला कि बल्ले के एकदम बीचों बीच लगा, परफेक्ट मिडल ऑफ द बैट, गेंद ने जड़ा चौका। नहीं गेंद दीजिए, गेंद 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 बॉल नवा चेंडू दिया, थैंक यू। सर जी अगर देखेंगे आप इस कहानी देखेंगे जब से स्कोर सर है 23-19 के बाद सिर्फ ये चौका आया है, 23 ऐसे नहीं कि मैच से बाहर है, विकेट गिर रहे, फिर भी देखिए अंत तक देख रहे हैं मुकाबला, ऐसे तो हर एक लफ्जों पे भी उनका ध्यान रहता है। सुशांत जाधव खुश होंगे, होना भी चाहिए, इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है बंदों ने, अपने गेंदबाजों पे खास करके वो खुश होंगे जिस तरह से गेंदबाजी की। हेलीकॉप्टर शॉट, हेलीकॉप्टर उड़ाया और वो सीधा लैंड हुआ बाहर, सामने वाले प्लॉट में डिपॉजिट हुआ ये। ये देखो गलती कर बैठे, 2 गेंदे खराब। और ये शुभम की मैं बात करूं, जब इस मैदान में कुछ सारा गड़बड़ हुआ था उस वक्त ये शुभम ने बाजी पलटाई थी, काफी जबरदस्त कुछ ऐसे ही शॉट आपको याद आ रहा है? जी हाँ बिल्कुल, छक्के के मदद से स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ पहुंचता हुआ 29 पर 29। आखिरी ओवर प्रगति पर, आखिरी 3 गेंदे क्या करेंगे, ये ताकतवर शॉट खेलते ऑफ साइड में हेलीकॉप्टर शॉट, बहुत सही शॉट था, बैक हिट, सुभान अल्लाह क्या शॉट है, इस गेंद को भूल जाइए क्योंकि ये गेंद आउट ऑफ पार्क है,
दूसरा गेंद डाली है क्योंकि ताबड़तोड़ शॉट यहां पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। नजर लग गई पहले तीन ओवर को नजर लग गई। शुभम की ताकत है, ये अंत में वक्त लेते हैं और बड़े शॉट खेलते हैं। ये जबरदस्त खिलाड़ी है, दो गेंदों में देखिए गियर बदला। तीन ओवर में स्कोर था 19, सारे सो चुके थे क्योंकि चाय भी नहीं पिए उन्होंने आज, सारे सो गए थे। लेकिन उसके बाद आखिरी ओवर शुरू हुआ, पहली गेंद की कहानी, पहला डॉट बॉल, दूसरे गेंद पे चौका, तीसरे गेंद पे छक्का, चौथे गेंद पे छक्का। क्या ये लगातार तीसरा छक्का लगा पाएंगे? ओहो, फंसा दिया। फुल टॉस गेंद अगर देखेंगे तो यहां पर आप सब जा रहे कि गेंद है ना ऊपर से ऐसे हो रहा है कि लैंड से हो रही है, ऐसा फुल टॉस स्विंग। उस फुल टॉस में भी नजाकत थी इसलिए फंस गए शुभम, वरना नहीं फंसते नॉर्मली। माफ कीजिए, फिर एक बार हेलीकॉप्टर उड़ा है और इस बार फिर बाहर लैंड होगा। कड़क शॉट है बिल्कुल। सुशा निराश हो गए क्योंकि बहुत खुश थे पहले तीन ओवर में, आखिरी ओवर में निराशा ऋषि के द्वारा छाई, तीन छक्के एक चौका। और देखिए आपने जैसे छक्का से फिशन किया, भूषण ने फिनिश किया तो अपने बल्ले को चूमते हुए, और देखिए क्रिकेटर अपने बल्ले से प्यार करता है। गेंद और पानी लेके जाइए अंपायर के लिए प्लीज, फास्ट अनमोल के लिए। देखिए कहानी देखिए सलीम भाई, पहले तीन ओवर में रन थे 19, आखिरी ओवर में रन आए 22, तीन छक्के एक चौका, तो रन टोटल बन गए हैं 41। कहानी फिर एक बार वही कहानी याद लाई, 42 रनों की जरूरत। सर जी वही तो बोल रहा था, क्रिकेट के अंदर है ना हर आखिर के लम्हों तक कुछ बताया नहीं जा सकता, और भूषण के अंदर वो ताकत थी, तीन छक्के कमाल के, दो तो हेलीकॉप्टर शॉट इस तरह से खेले, वाइडिश अगर कमाल के शॉट थे और एक जबरदस्त आउट ऑफ पार्क चला गया। 41 रन लगे बोर्ड के ऊपर, 42 रनों की जरूरत है। ये मुकाबला जीतेंगे तो सीधे फिर जाएंगे सेमीफाइनलिस्ट कहलाएंगे। क्या यहाँ पर मेरे हिसाब से ये मावल के यंग स्टार यंग या जे टाइगर के अंबेगांव की टीम को रोकेंगे, या फिर यंग स्टार जिनके नाम में यंग स्टार है ये यंग खिलाड़ियों को रोक पाएंगे? आने वाले 24 गेंदों में रन चाहिए 42। गेंदों में 42 रनों की जरूरत, प्रति ओवर 10.50 रनों की जरूरत। बहुत अच्छा मुकाबला होने वाला है, क्या लग रहा है? मुकाबला देखिए सर जी बहुत ही मजेदार होगा, क्योंकि एक तरफ देखेंगे मैं पहले बोल चुका हूं कि यंगस्टार मावल, ये टीम का नाम यंगस्टार है, दूसरी तरफ सुशांत दादा जाधव की बात करेंगे तो ये एक्सपीरियंस एक, लेकिन मुझे लगता है अगर शुरुआत आक्रामक करते हैं राहुल तो ये मुकाबला उनके कब्जे में हो सकता है, गिरफ्त में हो सकता है। राहुल को जल्दी आउट कराना बहुत इंपॉर्टेंट होगा यंगस्टर्स के लिए क्योंकि बहुत घातक बल्लेबाज है। तो मामा ने सही कहा है कि सबकी नजरें है राहुल पर, सुशांत दादा भी उतने ही आक्रामक है। राहुल ने पहले मुकाबले में 33 रन की शानदार पारी खेली थी, तो उसी तरह की पहली गेंद से क्या आक्रमण करना चाहेंगे सुशांत दादा जाधव और राहुल, ये भी तो देखना काफी रोमांचकारी रहेगा। जी हाँ बिल्कुल, पहले गेंद से ही आक्रमण करना चाहेंगे सुशांत, क्योंकि वो मैच को आखिरी गेंद तक लेके जाना नहीं चाहते हैं। मैच शुरू होने का इंतजार खत्म हो चुका है। मिस्टर अनमोल पवार एमसी अंपायर, मिस्टर समीर जराड हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे साथी कमेंटेटर हिंदी में मिस्टर सलीम भाई शेख, मिस्टर इरशाद भाई बागवान, स्कोरर सुमित मोरे। अगर बात करेंगे इस गेंद की, कमाल की गेंद थी, और पढ़ने के बाद में पहले मन बना लिया था यहाँ पर सुशांत दादा जाधव ने कि मुझे गेंद मिड विकेट के ऊपर से खेलना है, लेकिन गलती करते हुए
लाइव स्कोरर यहाँ पर फंसाया गया, ऊपर है दूर नहीं है, खिलाड़ी डाउन द बॉल, क्या पकड़ लेंगे कैच, पकड़ा कैच, कहानी खत्म, गलती हो गई सुशांत से, आउट। ले जाने वाले जरा होशियार, परंतु इतने मात्र साहिब चषक की सरकार है और राकेश भैया यहाँ के राजकुमार है। एक दर्जेदार मुकाबला अपन पातो है, अंबेगाव टाइगर ला मात्र परतावे लागले, एक मोटा धक्का असेल। फिलहाल देखेंगे अब बहुत बड़ी मछली जाल में, ओह कमाल के कटे देखे, बैकवर्ड पंच है, पॉइंट के उस सर के ऊपर से कमाल का शॉट है, मिला मौका, जड़ दिया चौका, स्वागत किया है चौके के साथ में देवा के इस मर्तबा बल्लेबाज राहुल। ये राहुल की बात निराली होती है, ये गेंदबाजों को हुल देना जानते हैं। और राहु पहले देखिए जिसकी ग्रह दशा में आ जाए कुंडलियां बिगाड़ देने वाला राहु, हुल आगे है, तो क्या यहाँ पर राहुल एक फिनिशर की रोल अदा करेंगे। साहिब ट्रॉफी पिछले 5 साल से पूरे महाराष्ट्र में छाई है, जिस तरह से राकेश वाल्मीकि, सोनू भैया कांबड़े, पुपट उगाड़े, मोइन बागवान और उनके सारे साथियों ने मिल के जो जिस तरह से आयोजन किया है, काफी दिलचस्प, काफी लाजवाब। यहां पर एक कमाल का शॉट है, बीट ऑफ के सर के ऊपर से कदमों का इस्तेमाल किया और चार दिया चौका, राहुल छा रहा है मैदान में, छा रहा है बिल्कुल, देखिए गेंद सामने थी और डाउन द ग्राउंड हुए, कमाल का चौका यहाँ पर मिड ऑफ के बगल से, अच्छा चौका। मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि राहुल पे सबकी नजरें टिकी रहेगी, क्योंकि राहुल एक ऐसा बल्लेबाज है जो इस मैच का रुख किसी भी वक्त पलट सकता है। इस बीच कल के बड़े मुकाबले होने वाले हैं। और इस बार देखिए फिर से एक बार बैक टू पंच किया है, राउंड द कारपेट शॉट, जिस तरह से कारपेट बिछाया जाता है उस तरह से शॉट यहाँ पर, लोग आपको खिलाड़ी काफी वाइड शॉट की गेंद को फील किया, सिंगल लिया। थैंक यू सलीम भाई, मीन थोड़ा सा व्यत्यय अंतो है, पण हा महत्त्वाचा व्यत्यय यासाठी की उद्या या मैदानावर काय होणार, साहेब चषक तालुका वाइज स्पर्धेचा 3rd दिवस, एकूण या स्पर्धेचा 8th दिवस, उद्या सकाळी पहिला सामना 9:30 होणार, वॉरियर्स बारामती विरुद्ध SP ग्रुप बारामती, दोन्ही संघ बारामतीचे सकाळच्या 17 भेटतील, त्यानंतर दुसरा सामना फुल अँड फायनल ग्रुप विरुद्ध यज्ञ यश कन्स्ट्रक्शन्स फलटण, स्कोर 9-42 धावांची गरज असताना पहिल्या षटकामध्ये 9-1। उद्या होणारा तिसरा सामना कल्याण मुंबई विरुद्ध दौंड, उद्या होणारा चौथा सामना हॅपी जामखेड विरुद्ध मोहळ सोलापूर, उद्या अनेक दिग्गज संघ, हॅपी क्रिकेट क्लब जामखेड विरुद्ध मोहळ सोलापूर, उद्या अनेक दिग्गज संघ आपल्याला खेळताना बघायला मिळणार आहेत, म्हणजे उद्या बारामती, पुणे जिल्हा, सातारा जिल्हा, सोलापूर जिल्हा, नगर जिल्हा, मुंबई या ठिकाणांचे सामने बघायला मिळणार आहे। सो उद्या पुन्हा एकदा न चुकता सकाळी आपण भेटणार आहोत, बरोबर 10:00 पहिला मुकाबला सुरू होईल, इनफॅक्ट 9:30 आपण पहिल्या सामन्याची तयारी करणार आहोत। गजब का शॉट और जर्दिया चौका, राहुल के बल्ले से एक गोल ब्लास्ट निकलता हुआ, 4 रन। खेळाडू आहे तो वारंवार लक्ष वेधून घेतोय, हा राहुल सईद सही कामगिरी करतोय, परवाच्या दिवशी ओपन हाफ ज्याची उत्सुकता प्रचंड मोठी आहे, त्यातले पहिले 2 सामने ठरलेले आहेत, पुढचे 2 सामने आपल्या थोड्या वेळात समोर येतील, पण पहिले जे 2 सामने ठरलेले आहेत ओपनचा हाफ असेल 8 जानेवारी 2022 सकाळी पहिला सामना परवा दिवशी होईल,
नेहा 11 दहीवड़ी विरुद्ध स्पार्टन पुणे। दूसरा मुकाबला असेल घनवीन स्पोर्ट्स अलीबाग विरुद्ध यस यस ब्लास्टर्स बारामती। हे दोन मुकाबले फिक्स्ड आहेत, पुढचे मुकाबले दोन जे आहेत ते आपल्याला थोड्या वेळात कळतील। आता जाऊया पुन्हा एकदा मैदानाकडे। मैदानावर धुमस चक्री चालू आहे, घमासान चालू आहे। या स्पर्धेतला तालुका वाईज मधला पहिला सेमीफायनल मध्ये प्रवेश करणारा संघ कोणता याचं उत्तर पुढच्या 10 मिनिटात मिळणार आहे। इस बार देखिए तुषार काफी हुशारी से गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, सामने विशाल निकट। पुढचे 10 मिनिट खूप महत्त्वाचे आहेत। वाह क्या शॉट है, जबरदस्त शॉट है। लॉन्ग ऑन वाइड से खड़े खिलाड़ी जब तक की फील करते सिंगल यहां पर लेंगे, बहुत जबरदस्त। हालांकि सुशांत दादा की विकेट गिरी, उसके बाद में फूक फूक के कदम रख रहे दोनों बल्लेबाज। एक तरफ देखा राहुल, 3 जबरदस्त चौके जरूर आए लेकिन विशाल निगट अभी तक बड़ा शॉट खेलने में असफल नजर आ रहे हैं। अंबेगाव की मावळ याचं उत्तर थोड्याच वेळात मिळणार आहे। सेमीफायनल मध्ये प्रवेश करणारा पहिला संघ कोणता 42 धावांचा मुकाबला करतोय, यस जे टायगर्स अंबेगाव। ऑफिस एक बात देखिए पीछे हटे जगह बनाए थे, हालांकि दरमियान बिल्कुल मौजूद है अच्छा फील करते हुए, लेकिन मेरे हिसाब से सिंगल से नाराज नहीं होंगे। अगर देखेंगे यंग स्टार मावळ खुश होती नजर आएगी, लेकिन एक आधा तो बड़ा शॉट हर ओवर में मैक्सिमम छक्का चाहिए। 16 धावा फलकावर लागलेल्या आहेत, उरलेल्या 14 चेंडू मध्ये 26 धावांची गरज आहे। बॉल्स रिमेनिंग 14, रन्स रिक्वायर्ड 26। सलीम भाई बहुत दिलचस्प मुकाबला होगा, खास करके अभी का जो माहौल है ये दिलचस्प मुकाबलों के लिए बना है। करेक्ट शॉट है, स्लॉट में गेंद, सामने वाले प्लॉट में डिपॉजिट किए विशाल का विशाल मैक्सिमम छक्का। ये 2 बॉल में बता रहा था बहुत कड़क होने वाला है, एक तो जड़ दिया मैक्सिमम छक्का। हाल ही के दिनों में कई ज्यादा प्लॉट्स आपने लिए, ऐसे लग रहा है क्योंकि आपके मुंह में बार बार प्लॉट वर्ड आ रहा है। प्लॉट में तो होना चाहिए, अक्सर प्लॉट होना चाहिए तभी तो स्लॉट का मजा आएगा। फिलहाल देखिए गलती करते हुए तुषार, मेरे हिसाब से देखिए पिछले मर्तबा थोड़ा सा वाइडिश गेंद रख रहे थे लेकिन इस मर्तबा बिल्कुल उनके रडार में गेंद डाली, जड़ दिया मैक्सिमम छक्का। स्लॉट में गेंद आई, रडार में गेंद आई और बहुत बेहतरीन तरीके से खेलते हैं, खास करके सामने गेंद आती है तो विशाल निकोट बहुत फेमस है इस शॉट के लिए। फिर एक बार बहुत करारा प्रहार, ये तो बहुत बड़ा छक्का है विशाल का, एक और बड़ी ब्लास्ट है, मैक्सिमम छक्का, कड़क शॉट। मुझे लगता है ये 2 छक्कों ने मैच की हवा निकाल दिया, रुख पलट दिया। वही तो बात कर रहा था मैं, 14 गेंदे 2 गेंदों के बाद कड़क यहाँ पर मुकाबला। अभी देखिए क्या हो गया, समीकरण बदल दिया, बिगाड़ दिया। अभी 12 गेंदों में चाहिए 14 रन। देखिए यही तो बात है, विशाल निगोट एक उभरते हुए खिलाड़ी है, मैं जहां तक 2-3 मरतबा उनके सामने मुझे मौका मिला है कॉमेडी करने का, और जबकि ये बात हुई इंदापुर की तो वहां पर बाइक मिली थी इनको मैन ऑफ द सीरीज की, काफी जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं तो उनके रडार में गेंद आते हैं तो बहुत बड़े छक्के लगाते हैं, कुछ वैसे उन्होंने सिद्ध किया। अब देखिए मुकाबले में फिर से एक बार यजय टाइगर सुशांत दादा जाधव अंबेगांव की टीम वापसी में आते हुए, क्या यंग स्टार मावळ यहां से कुछ ट्विस्ट बनाएगी, 1-2 विकेट क्या जल्द प्राप्त कर पाएगी, या फिर जो शिकंजा कसा है राहुल और विशाल इसको बरकरार रखेंगे। इस मैच के बाद वाह क्या शॉट है, ये तो गजब बल्लेबाज सुशांत को मिले तो सुशांत की तो बल्ले बल्ले, अब तो बल्ले बल्ले हो रहे हैं डगआउट देखेंगे, ये शोर ये शगब बिल्कुल। सुशांत दादा जाधव यहाँ पर झूम रहे, अंबे गांव तक इसकी खुशबू आती होगी ये जीत की। जी हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत खुश होंगे अपने खिलाड़ियों के प्रदर्शन से, और देख भी सकते हैं डगआउट में उनको कि खड़े हैं, सब बैठे हैं लेकिन दादा खड़े हैं, थके नहीं है अभी तक, थके नहीं है। बहुत बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी विशाल और राहुल के द्वारा। एक और मतलब अच्छी गेंद है, फिर से एक बार खिलाड़ी नजर लग गई, फिर एक बार नजर लग गई। अभी भी 10 गेंदों में 8 रनों की लगातार मुकाबला जीतने के लिए, अब देखेंगे ये राहुल एक अच्छा शॉट यहाँ पर बनता था लेकिन अंत में देखिए कैच कितने आसानी से पकड़ लिया वहां पर, बहुत सही सही मायनों में। राहुल की तारीफ जितनी की जाए कम, जब जब टीम मुसीबत में थी तब तक बाहर निकाला है, बहुत बढ़िया बल्लेबाज है राहुल सईद। राहुल ये हुल देना भी जानते हैं और राहुल बरसना भी जानते हैं कुछ वैसे ही। अब गेंदे बाकी रहेगी, 10 रन चाहिए 8। सलीम भाई मैं तो कहना चाहूंगा
कि कौन सी टीम सेमीफाइनल में जाती है, इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह होगी कि कौन सी टीम को 9 तारीख को खेलने को मिलेगा, क्योंकि उस दिन का जो माहौल होगा हर खिलाड़ी खेलना चाहेगा। ये तो होना ही बात है, सब भी आकर्षित है, उत्साहित है। और देखिए आराम से देखिए लंबा पैर निकालता, सिंगल खेला, वन साइड में खेले, सिंगल काफी तेजी से भागे, दूसरा भी रन बटोरते हुए। ये देखिए नजाकत, ये देखिए विशाल की ताकत, बड़े शॉट है पिटारे में, फिर भी आराम से खेला, हल्के हाथों से 2 रन बटोरते हुए। अब देखिए और चाहिए सभी का नजदीक आता, 9 गेंदे 6 रन, 9 चेंडू मध्ये 6 धावांची आवश्यकता। खरतर मी आता जे बोललो कि शेवटच्या दिवशी खेळायला प्रत्येक टीमला प्रत्येक खेळाडूला आवडणार आहे, त्यामुळे सेमीफायनल मध्ये जाताना 9 जानेवारीचा जो माहोल असेल त्यावेळी खेळताना मजा येणार आहे, कारण संपूर्ण स्टेडियम भरलेला असेल आणि 12 मध्ये कर त्यावेळी खास या खेळाडूंचा उत्साह वाढवण्यासाठी येतील। ये रन लेना चाहते, अलग का प्रयास करना चाहते थे, लेकिन मेरे हिसाब से बल्ले पे गेंद चढ़ी नहीं है। अब गेंदे बाकी रहेगी 8 और रन चाहिए 6 गेंदे 6 रन। और फोटोग्राफर का भी अच्छा काम रहेगा, खरतर सेमीफाइनल मध्ये प्रवेश करणारा पहिला संघ कोणता हे आता कळेल, पण दुसरा संघ काल ठरणार होता जो 9 तारखेला सकाळी ठरेल, वो उस्मान को देखने के लिए शायद सस्पेंस बना है उसके ऊपर। हाँ, निर्मिती ग्रुप विरुद्ध उस्मानाबाद हा मुकाबला होणार आहे 9 तारखेला सकाळी पहिला। नहीं है, खड़े खड़े शॉट खेलना चाहते थे, बेहतर गेंद के साथ में यहां पर फिनिश कर रहे, और ये चाहिए। देखिए एक तरफ देखिए बड़े शॉट खेल रहे थे, जैसे रन कम आ गए तो अब धीमे नजर आ रहे, फिर से क्या यहाँ पर एक आधा बड़ा शॉट देखने को मिलेगा इनके बल्ले से, या फिर ये रफ्तार वाले गेंदबाज इनको गिरफ्तार करेंगे, यहाँ से एक आधा विकेट आता है मामा तो मजा आएगा। जी हाँ बिल्कुल, विशाल की दृष्टि से एक गेंद का मैच बचा है, लेकिन फिर भी क्रिकेट है, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होना भी घातक हो सकता है। वही हुआ, विशाल आउट, ओवर कॉन्फिडेंट बन गए, ये तो विकेट दे, ये लग रहा था कि यहाँ से रफ्तार के साथ भी गिरफ्तार बिल्कुल कर दिया विशाल, एक जैसे बहुत दिग्गज खिलाड़ी को यहाँ पर पकड़ते हुए, बिल्कुल नजर भी लगी होगी। लेकिन अपना संघ पहला जने सेमीफाइनल मध्ये एंट्री के लिए साहिब चषक तालुका वाइज मध्ये, दोन्ही टीम प्लीज आपण प्रेझेंटेशन बॉक्स कडे या, आपण मॅन ऑफ द मॅच हा किताब देणार आहोत, या अगोदरच्या मॅचचा किताब पण द्यायचा आहे आणि आताच आहे, 2 मॅन ऑफ द मॅच आपल्याला देणं बाकी आहे। या अगोदर आपल्याला वेळ नव्हता त्यामुळे लगेच सामना सुरू केला, या अगोदरच्या मॅचचा सामन्याचा मानकरी पण आपल्याला द्यायचा आहे आणि आताचा सुद्धा द्यायचा आहे। सो सुशांत दादा जाधव प्लीज कम विथ युअर टीम टू प्रेझेंटेशन बॉक्स अँड मिस्टर सागर प्लीज कम। एक दर्जेदार सामना आपण पाहिला, सेमीफायनल मध्ये प्रवेश करणारा पहिला संघ ठरलाय एच जे टायगर। खऱ्या अर्थानं आपण पाहिलं, कौतुक असेल सुशांत दादाचं की आपण पाहिलं पंचांच्या सर्व निर्णयाचं, सुशांत दादानं देखील स्वागत केलंय। आज दिवसभर आपण पाहतोय एच जे टायगर संघाची कामगिरी आणि सुशांत दादा आपल्यासाठी आपले ऑनलाईन प्रेक्षक कुणाल थोरात आणि जयेश पोकरकर यांनी मात्र आपल्या संघाला शुभेच्छा दिलेल्या आहेत।